हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जो आपके एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, 24 अगस्त हो गई है, जो आपको समय मिल रहा है, यह आपको बहुत अच्छी बात है कि आपको तैयारी के लिए और समय मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू कर लेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड 25 प्रश्न लिए हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस परीक्षा में भी ये इस परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर इन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो कमेंट में आप रिप्लाई ज़रूर करें। चलिए सेशन को शुरू कर लेते हैं। एक बार सभी प्यारे भाई बहन सेशन को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। चलिए, ये प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर, अगर आपको उत्तर आता है तो कॉमेंट में उत्तर ज़रूर दें। यहाँ पर कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था ये कैसी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, दूसरा नंबर है, आपसे पूछ रहा है बताइए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर प्रश्न में राइट आंसर हो जाता है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी अगर आपका करेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए इसको जूम कर देते हैं थोड़ा, जिससे प्रश्न आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई दे। तो दूसरे पे राइट आंसर आपने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है या इससे क्या अभिप्राय आप क्या समझते हैं, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तीसरा नंबर है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तीसरे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, विकासशील राष्ट्र के रूप में, तीसरे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर है, चौथे पे आपसे ये कह रहा है बताइए कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है योगदान करता है, सबसे अधिक योगदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो चौथे पे राइट आंसर करेंगे तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पांचवा नंबर है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। क्या करेंगे, जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, तो छठे पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे कि बंद अर्थव्यवस्था, जिससे विशेष जो कि क्या है कि विश्व से संबंधित नहीं होते, इसलिए क्योंकि यहाँ से ना तो ना ही निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, तो विश्व से कोई संबंध ही नहीं रहेगा, तो इसको संवृत्त या फिर बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो सेवन पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आठवां नंबर है, कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन पर, बाजार का आकार। तो यहाँ पर आप उपयुक्त सभी भी कर सकते हैं अगर आपको सही आंसर लग रहा है। तो आठवें पे समझ लीजिए कि किसी देश का जो आर्थिक विकास निर्भर करता है वो इन सभी पर करता है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो वैश्वीकरण है इसकी प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है, ग्लोबलाइजेशन यानी इसकी प्रक्रिया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय। टेंथ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में
बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 11 नंबर है, आपसे कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, तो 11 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 12वां नंबर है, आपसे पूछ रहा है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो 12वें पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13वां नंबर है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है ये कैसी बेरोजगारी है, तो ना तो ये तकनीकी बेरोजगारी है, ना चक्री बेरोजगारी है, ना घर्षणात्मक बेरोजगारी है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाता है, डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है, तो 14 पे राइट आंसर सी राइट करेंगे, एन एस एस ओ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 15 नंबर है, कह रहा है भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो 15 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी किस्में हैं जैसे ग्रामीण अल्प रोजगार और चक्री बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, ये सभी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 16 नंबर है, कह रहा बताइए कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो कृषि में जो मुख्य रूप से बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कौन सी बेरोजगारी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाता है, अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिला है, तो देखिए कृषि में जो बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिला वो है संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, तो ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे यहाँ पे डी राइट कर लोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो 18वें पे सही आंसर देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को फिर अपना आंसर दीजिए, तो 18वें पे देखिए आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 19वां नंबर है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर क्या करेंगे उपरोक्त दोनों, क्यों, क्योंकि बेरोजगारी आपको मौसमी बेरोजगारी भी देखने को मिलती है और अदृश्य बेरोजगारी भी देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है, कह रहा है वर्तमान समय में, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेशन को आप लोग लाइक भी कर दिया करें जिससे कि हमें जानकारी होती रहे कि कितने लोगों को ये सेशन पसंद आया, और अगर आप सेशन को लाइक करते हो तो इसका नोटिफिकेशन और साथ ही साथ पीडीएफ का आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है, तो भाई लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से, हम आपके लिए और मेहनत कर पाते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करके आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाते हैं, तो 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है सी, शिक्षित बेरोजगारी। ये क्या है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 21वां नंबर है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, तो मुख्य रूप से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, तो आप यहाँ पर बताइए कौन सा कूट आपका सही होगा। 21 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, क्योंकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से ये जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट करोगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, तो 22 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता ऑप्शन नंबर डी।
जो कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो 23 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है, शिक्षित बेरोजगारी जो कि हमें शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 24 नंबर, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ समानता क्या है? अभी आपने पढ़ा था प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में ही पढ़ा, डिटेल में वहाँ पर बात करी। 24 पर राइट आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य, जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ है, जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो ये तो बहुत आसान सा इजी सा प्रश्न है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, शिक्षित बेरोजगारी के अंतर्गत ही आते हैं ये। चलिए तो इसका देखिए पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे हमने आंसर भी ले रखे हैं, तो पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम चैनल से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और डेली आपकी क्लासें होती हैं शाम को 8 बजे से लाइव क्लास, जो कि पेपर यहाँ पर पूरा आपको सॉल्व कराया जाता है, और इसके बाद में 9 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास होती है, ये भी आपकी लाइव क्लास होती है, 10 बजे से आपकी जीके और जीएस की क्लास होती है, ये सारी शाम की क्लासें हैं जीके और जीएस। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें।